नमस्कार, स्वागत है आपका जी हिंदुस्तान। देख रहे हैं आप सभी के साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। रात के आठ बज चुके हैं, वक्त हो गए खबरों के टॉप एंगल का। खबरों के टॉप एंगल में आज हम आपको दिखाएंगे ड्रैगन की हवा हवाई वॉर ड्रिल के बारे में। तफसील से इस खबर पर चर्चा करेंगे। रिमोट गन से खौफ में है दुश्मन, इसके बारे में भी एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। पाक की ड्रोन साजिश होगी नाकाम, इस पर भी होगी बात। पूर्वी लद्दाख में बर्फीली मौत, मर रहा ड्रैगन इस कदर हताश हो चुका है कि भारतीय फौज के नाम से ही उसके हाथ पैर कांप रहे हैं। राफेल के आने के बाद तो चीनी सेना की हालत और भी ज्यादा खस्ता है। जिनपिंग की समझ में आ गया है कि हिंद की फौज के सामने उसकी सेना मैदान में नहीं टिक पाएगी, लिहाजा पाकिस्तान के साथ मिलकर वो आसमानी जाल बुन रहा है। भारत के गुजरात बॉर्डर से सटे पाकिस्तानी एयरबेस पर चीन और पाकिस्तान के फाइटर जेट युद्धाभ्यास कर रहे हैं, लेकिन जिन लड़ाकू विमानों से दुश्मन देश एयर ड्रिल कर रहे हैं वो इस कदर कबाड़ हो चुके हैं कि युद्ध से पहले ही ध्वस्त हो जाएंगे। देखिए ये रिपोर्ट। हिंदुस्तान का पराक्रम, दुश्मन का निकला दम। चीन पाकिस्तान का हवा हवाई युद्धाभ्यास। कबाड़ लड़ाकू विमानों से बेमौत मरेगा दुश्मन। गलवान घाटी में मुंह की खाने और हिंदुस्तान की चौतरफा मोर्चाबंदी से ड्रैगन इस कदर खौफ में है कि पहले से ही कांप रहे पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाने को मजबूर है। दरअसल चीन की समझ में आ गया है कि जमीन पर भारत का मुकाबला करना उसके बूते की बात नहीं, लिहाजा अब वो आसमान में हवा हवाई किले बना रहा है, वो भी डरे पिटे पाकिस्तान के साथ मिलकर। लेकिन उसकी ये चाल भी नाकाम होगी, आसमान में ही ड्रैगन की चिता बनेगी। ये तस्वीरें हैं पाकिस्तान चीन के ज्वाइंट एयरफोर्स वॉर एक्सरसाइज शाहीन 9 की। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मौजूद भोलारी एयरबेस पर बड़ी संख्या में चीनी फाइटर जेट्स मौजूद हैं। ये चीनी जेट्स पाकिस्तानी एयरफोर्स के साथ मिलकर युद्धाभ्यास कर रहे हैं, लेकिन कबाड़ हो चुके चीनी लड़ाकू विमान आसमान में उड़ते ताबूत से कम नहीं है। दरअसल थाट्टा जिले में मौजूद पाकिस्तान का भोलारी एयरबेस बेहद अहम है, क्योंकि ये भारत के गुजरात बॉर्डर के नजदीक है और यहाँ से अरब सागर में भी सीधी नजर रखी जा सकती है। इसलिए ड्रैगन यहाँ पर अपनी पकड़ मजबूत कर भारत को पश्चिम में घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन राफेल के सामने उनके कबाड़ लड़ाकू विमान आसमान में ही राख हो जाएंगे। पिछले साल शाहीन ड्रिल चीन में हुई थी, जो कि अब तक की सबसे बड़ी ड्रिल थी। उसमें करीब 50 युद्धक विमानों ने हिस्सा लिया था। वैसे तो चीनी एयरफोर्स कई साल से शाहीन युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रही है, लेकिन इस बार उसने पाकिस्तान में अपना बड़ा हवाई बेड़ा भेजा है, जिसका सीधा मतलब है कि वो भारत के खिलाफ मोर्चेबंदी की चाल चल रहा है। चीन और पाकिस्तान के बीच ये युद्धाभ्यास ऐसे वक्त में हो रहा है जब लद्दाख में LSE पर भारत और चीन के बीच तनाव अपने चरम सीमा पर है। वैसे तो चीन ने कहा है कि इस संयुक्त युद्धाभ्यास का मकसद दोनों ही सेनाओं की वॉर ट्रेनिंग को और बेहतर बनाना है, लेकिन उसकी साजिश किसी से छिपी नहीं है। दरअसल जब से भारत ने अपनी सैन्य ताकत बढ़ाई है और राफेल समेत तमाम आधुनिक हथियारों से खुद को लैस किया, तब से चीन पाकिस्तान की हालत खराब हो चुकी है।
पूर्वी लद्दाख में लुटे पिटे ड्रैगन की समझ में नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे। Your visit to Diamond Harbor today. देखिए, डायमंड हार्बर मैं इसलिए गया था क्योंकि मैंने पहले कहा, चाहे भवानीपुर हो चाहे डायमंड हार्बर हो, दोनों ही भ्रष्टाचार के और लॉलेसनेस के और करप्शन के, कट मनी के और विकास के खिलाफ लोगों को डिविजिव पॉलिटिक्स के द्वारा राजनीति में बांट करके चलने का उद्गम स्थान है। इसलिए इन दोनों स्थानों पर जाकर जनता को धारस बैठाना और कार्यकर्ताओं को जागृत करना, कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाना, ये मेरी जिम्मेवारी थी। तो मैं दोनों जगह गया और दोनों जगह मेरे को ध्यान में आया कि किस तरीके से लॉलेसनेस वहाँ पर व्याप्त है, किस तरीके से विकास वहाँ रुका हुआ है, किस तरीके से कॉमन मैन को जीने का अधिकार नहीं है और किस तरीके से कॉमन मैन की पीड़ाओं को कुचला जा रहा है। उसको बजाय इसके कि उसको साथ दिया जाए, उसको डेवलप किया जाए, उसको मुख्य धारा में शामिल किया जाए, उसको एम्पावर किया जाए, उसको और दबाया जा रहा है टीएमसी की सरकार के द्वारा और इन नेताओं के द्वारा। ये इसका एक्सपोजर हमको देखने को मिला और इसको हम समाप्त करने की जर्नी आज आपका था, जो घटना वहाँ पर हुए थे उसको आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे? देखिए, ये उनकी आदत है, ये उनकी फितरत है, यही उनकी जीवन शैली है, यही उन्होंने किया है। हम जानते हैं कि वो इस तरीके की बात को आगे बढ़ाने वाले हैं, लेकिन हम भी प्रजातांत्रिक तरीके से लड़ना जानते हैं, हमें हमेशा सफलता मिली है, यहाँ भी हमको सफलता मिलेगी। ममता बनर्जी ने बोला कि जब जब बीजेपी का रैली में क्राउड नहीं होता तो ये सब कोट अनकोट नाटक ये सब करता है, और पुलिस ने बोला कि आपका कॉन्वॉय में कोई हमला हुआ ही नहीं, वो बहुत पीछे एक गाड़ी था उसके ऊपर स्टोन पेल्टिंग हुआ था। और सीएमओ की तरफ से एक स्टैटिस्टिक्स भी जारी किया गया जिसमें वो ये बोला कि अभी यहाँ पर पॉलिटिकल वायलेंस बहुत डिक्रीज हो गया। देखिए, ममता जी की भाषा उनके संस्कारों के बारे में बताती है, उनकी सोच के बारे में बताती है। दूसरी बात, सच्चाई क्या है? सच्चाई हम सबके सामने है कि जिस तरीके का आज हमला हुआ है, आप सब लोग भी उस कन्वॉय में थे, आपने सबने देखा। अगर अभी भी आप जाके मेरी गाड़ी पर देखेंगे तो वो निशान पड़ा हुआ है जो पत्थर से मारा गया, और वो बुलेट प्रूफ कार थी इसलिए हम बच गए। और उसको छोड़ दीजिए, कैलाश विजयवर्गीय जी की गाड़ी देख लीजिए, हमारे मुकुल रॉय की गाड़ी देख लीजिए, अनुपम हजारा की गाड़ी देख लीजिए, शिव प्रकाश जी की गाड़ी देख लीजिए, कोई गाड़ी का कोई शीशा बचा ही नहीं है। दिस इज ममता स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग। लेकिन आपका एक से एक नेताओं ने जो 356 और प्रेसिडेंट्स रूल के बारे में बहुत सारे बात फ्लोट कर रहे हैं, तो आपका स्टैंड क्या है इसके बारे में? आपको पहले अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हम प्रजातांत्रिक तरीके से लड़ते हैं, भावावेश में हमारे लोग इन बातों को कहते हैं। यह लॉ एंड ऑर्डर क्रम्बल डाउन कर गया है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम उसको प्रजातांत्रिक तरीके से लड़ेंगे। माय लास्ट क्वेश्चन टू यू, सीएए नहीं किया जाएगा, ममता बनर्जी ने साफ साफ बोल दिया ये। माय लास्ट क्वेश्चन, पार्लियामेंट ने उसको इनैक्ट कर दिया है, रूल्स बन रहे हैं, वो एक्ट लागू होगा। बहुत शुक्रिया नड्डा जी। जेपी नड्डा हमारे मुखोमुखि हुए, कैमरा अमित दास संगे मोपिया नंदी, जी 24 घंटा। तो आप सुन रहे थे जेपी नड्डा को, जो कि सीधा सीधा ममता बनर्जी पर हमला करते आपको यहां नजर आए, और उन्होंने बताया कि किस तरह से उन पर आज हमला हुआ उनकी गाड़ी पर। उन्होंने कहा कि अभी भी अगर आप गाड़ी को जाकर देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि किस तरह से वहां पर स्टोन पेल्टिंग की गई उनकी कार पर। लेकिन ममता बनर्जी ने हालांकि इस बात से इनकार कर दिया है कि उनकी गाड़ी पर नहीं बल्कि कोई और गाड़ी थी जिस पर यह हमला हुआ था। चलिए बढ़ते आगे खबरों का टॉप एंगल में। जल हो, थल हो या फिर हो आसमान, सरहद पर दुश्मन की ड्रोन साजिश अब नहीं होगी कामयाब, क्योंकि इजराइल से आने वाली है घातक रिमोट कंट्रोल्ड किलर गन जो पलक झपकते ही दुश्मन के ड्रोन को कर देगी धराशायी। चीन और पाकिस्तान से बढ़ते खतरों को देखते हुए भारत इजराइल से ये घातक रिमोट कंट्रोल्ड किलर गन खरीद रहा है। यह एंटी ड्रोन हथियार कंप्यूटराइज्ड फायर कंट्रोल और इलेक्ट्रो ऑप्टिक साइट जैसी आधुनिक तकनीक से लेस है, इसे किसी भी राइफल में फिट किया जा सकता है। रिपोर्ट देखिए। इस किलर मशीन से कांप जाएगा दुश्मन,
सरहद पर कामयाब नहीं होगी कोई चाल। मिनटों में धराशायी होगा दुश्मन का ड्रोन। इजराइल में बनी ये वही रिमोट कंट्रोल्ड किलर मशीन गन है जिसके चर्चे इन दिनों पूरी दुनिया में हैं। ये ऐसी मशीन गन है जो खुद ही टारगेट सेट कर सकती है। इसके जरिए दूर से ही रिमोट कंट्रोल के जरिए दुश्मन को तबाह किया जा सकता है। दरअसल ये कंप्यूटराइज सिस्टम है जिसे किसी भी मशीन गन में लगाया जा सकता है। नाम है स्मैश सिस्टम 2000+। इसराइल का ये सिस्टम कंप्यूटराइज फायर कंट्रोल सिस्टम और इलेक्ट्रो ऑप्टिक साइट प्रणाली से लैस है। ये वही रिमोट कंट्रोल गन सिस्टम है जिसके जरिए ईरान के परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फकरी जादेह की हत्या की गई थी, जिसके बाद इसकी चर्चा पूरी दुनिया में है। सीमा पर दुश्मन के बढ़ते ड्रोन खतरों को देखते हुए अब भारत नौसेना के लिए इसराइल से ये घातक स्मैश 2000 सिस्टम खरीद रहा है। नौसेना दिवस के मौके पर नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने इस बात की घोषणा की थी। और जो एंटी ड्रोन की बात कर रहे हो आप, एंटी ड्रोन वी आर प्रोक्योरिंग सम इक्विपमेंट फॉर एंटी ड्रोन टू प्रिवेंट ड्रोन फ्रॉम अटैकिंग अस। सर टू योर राइट सर, जैसे इट्स कॉल्ड स्मैश 2000 आई थिंक, स्मैश 2000 राइफल्स हैं जिससे वो ड्रोन्स को टारगेट कर सकते हैं। नौसेना के बाद आर्मी और बीएसएफ की बॉर्डर पर बढ़ते ड्रोन खतरे से निपटने के लिए ये किलर सिस्टम ऑर्डर करेगा। अगले साल की शुरुआत में ही नौसेना को इस फायर कंट्रोल सिस्टम की डिलीवरी शुरू हो जाएगी। ये हथियार करीब 120 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे ड्रोन को भी सेकेंडों में मार गिराने में सक्षम है। ये एक इलेक्ट्रो ऑप्टिक साइट सिस्टम है जिसे AK-47 या किसी भी गन में इंस्टॉल किया जा सकता है। स्मैश 2000 प्लस सिस्टम मूविंग ऑब्जेक्ट को भी आसानी से टारगेट कर सकता है। यह खुद ही टारगेट को सेट कर उसे स्कैन करने में सक्षम है। दुश्मन के ड्रोन को नजदीक की रेंज से या फिर दूर से गिराने की क्षमता रखता है। इसकी मदद से हमारे जवान सटीकता और स्पीड से टारगेट को हिट कर पाएंगे। इस स्मार्ट शूटर सिस्टम को बनाने वाली इजरायली कंपनी ने भी इस बात की तस्दीक की है कि भारतीय डिफेंस की तरफ से स्मैश 2000 सिस्टम का ऑर्डर दिया गया है। कंपनी के सीईओ माइकल मोर के मुताबिक स्मैश 2000 प्लस हार्ड किलिंग सॉल्यूशन देता है। किसी भी खतरे से निपटने में ग्राउंड या हवा में किसी भी टारगेट के खिलाफ इसकी योग्यता भी प्रूफ हो चुकी है। कंपनी का कहना है कि स्मैश 2000 में इनबिल्ट टारगेटिंग एल्गोरिदम सिस्टम है जिससे चाहे कितने भी छोटा ड्रोन क्यों ना हो उसे स्पीड के साथ ट्रैक कर हिट किया जा सकता है। पहले स्मैश 2000 सिस्टम था, लेकिन जिसे हमारी नेवी खरीद रही है वो स्मैश 2000 प्लस यानी अपग्रेडेड सिस्टम है। पाकिस्तान पिछले काफी दिनों से ड्रोन के जरिए सीमा पर बड़ी साजिश रच रहा है। ड्रोन के जरिए वो आतंकियों को हथियार सप्लाई करने के साथ ड्रग्स की तस्करी में भी लगा है, लेकिन रिमोट कंट्रोल किलर मशीन के आने के बाद सरहद पर दुश्मन की ये चाल भी धराशायी हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। स्मैश 2000 प्लस ऐसा कंप्यूटराइज सिस्टम है जो किसी भी ऑटोमेटिक मशीन गन के ऊपर फिक्स कर सकते हैं। ये सिस्टम सिर्फ ड्रोन को मारने में ही नहीं बल्कि युद्ध के मैदान या आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में भी बड़ा रोल अदा करेगा। इसे किसी भी ट्राइपॉड, जमीन या गाड़ी के ऊपर लगाया जा सकता है। आइए आपको दिखाते हैं इसकी खासियत कुछ ग्राफिक्स के जरिए। रिमोट गन से खौफ में दुश्मन क्यों है? स्मैश 2000 प्लस एक कंप्यूटराइज सिस्टम है। किसी भी मशीन गन पर यह आसानी से फिक्स किया जा सकता है। टारगेट को खुद ही स्कैन कर लॉक कर लेता है। इजराइल की कंपनी ने स्मैश 2000 को लॉन्च किया और दूर बैठकर रिमोट से भी इसको ऑपरेट किया जा सकता है। मोशन कैमरा और डिवाइस से टारगेट पर अचूक निशाना, साथ ही ऑपरेटर वायरलेस डिवाइस से भी कर सकता है संचालित। और इसी के साथ यहां वक्त हो गया है ब्रेक का। खबरों का सिलसिला हिंदुस्तान पर लगातार जारी है।